सब बर्तन खाली, क्या हमें आज खाना नहीं मिलेगा? इज्जत तो वैसे ही नहीं मिलती, रोटी भी बंद करती है, पता नहीं घर से कब निकालेंगे। इतने लोग बिलावत से इतनी नफरत कैसे कर लेते? हमने तो आंटी और लाइबा का कुछ नहीं बिगाड़, फिर वो हमारी नफरत में इतना आगे बढ़ चुकी है। परेशान मत करो, आदत डालो, रोज रोज इसी जल्लत का सामना करना पड़ेगा। अरे अच्छा हुआ तुम लोग यहीं मिल गई, तुम दोनों ने मुझसे कोई बात करनी थी बेटा। वो देखो बेटा, मैं जानता हूं तुम लोग राबिया की बातों की वजह से परेशान। हर इंसान की एक फितरत होती है, उसकी बातों को इग्नोर करो, दिल की बुरी नहीं है वो। अब तो तुम दोनों को उसने कबूल भी कर लिया, अगर मैं समझाता हूं तो समझ भी जाती है, बस बेटा इग्नोर करो। अंकल हम आपके मशहूर भी हैं और आपसे शर्मिंदा भी हैं, आपको हमारी वजह से अपनों से लड़ना पड़ रहा है। अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आपने जो कुछ हमारे लिए किया वो कोई किसी के लिए नहीं करता। मैंने भी कुछ नहीं किया बेटा, लेकिन सच ये है कि बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो आप हमें हॉस्टल भेज दें, ये हमारे लिए अच्छा होगा और आप ही हमारे सरपरस्त होंगे। मैं सरपरस्त हूँ बेटा, मैं तुम लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अंकल आप क्यों हम यतीम लड़कियों के लिए? प्लीज एमी, प्लीज बेटा आज के बाद अपने आप को यतीम मत कहना। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखूंगा। तैमूर जरूर हम लड़कियों के पास गए होंगे। अंकल आपसे एक बात करनी थी। कहो बेटा। वो क्या हम कल कॉलेज जा सकते? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। थैंक यू अंकल। आई एम सो सॉरी, मैं जल्दी में भूल गया, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी, मैं खाना कमरे में खा लिया। तुम लोगों ने तो खाना खा लिया होगा। हमें तो खाना, अरे असल में वो आयजा एमल तुम यहाँ, मैं तो कब से तुम लोग को खाने पे बुला रही थी, तुम लोग क्या बेडरूम में सो रहे थे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप चले, मैं इनको खाना दे देती हूँ। मैं तो खाने का बस, वो लाइबा जो है ना तुम लोग के लिए खाना लाई थी, मैं गर्म कर देती हूँ, आप चलो। हाँ मैं जाता हूँ, तुम लोग खाना खाओ बेटा। थैंक यू आंटी, हम कर लेंगे। तो करो फिर। इतना ड्रामा कोई कैसे कर लेता है?